everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Rajvi. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लैप क्या होता है, फ्री गिफ्ट हमें ब्रांड से कैसे मिलते हैं. आई नो सबको देख के होता होगा यार इनके तो मजे हैं, इनको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, ये तो कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, इनको तो पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बाय करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा सबको लगता है. कैसे आप तक वो पहुंचे, वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी ट्रिक्स है, वो मैं सब शेयर करूंगी. एंड इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आपको वो चीज बताऊंगी, आज तक आपने अगर आप लिखोगे ना यूट्यूब पे सर्च डालोगे कलैब क्या होता है, कलैबोरेशन कैसे मिलता है, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी. लेकिन जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो शायद ही, वैसे तो मैंने वीडियोस देखी नहीं, लेकिन एक दो जब मैं कलैब स्टार्ट करा था मैंने, तब मैंने देखी थी, ये पीछे चले जाओ 1.5 साल, तो तब मैंने देखी, तब मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज नहीं आई थी किसी ने ये चीज बताई हो. रियल चीज बताऊंगी अपनी लाइफ में जो मैंने करा है, सच बताऊंगी, चाहे किसी को भी लगे लै इतनी मारी पड़ी थी ये कलैब की, ऐसा लगी किसी को, मैं रियल चीज बताऊंगी. और वो काम की है, वो काम की है. आपके 2000 सब्सक्राइबर है ना, आपके 1000 फॉलोवर भी हैं, काम आएगी आपके वो. तो वो ट्रिक बताऊंगी, आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी ने भी यूट्यूब पे अभी तक बताई नहीं है, जो मैं ट्रिक बताऊंगी कि कलैब कैसे करते हैं. डेफिनेटली आपको कलैबोरेशन मिलेगा, चाहे बिल्कुल ही छोटी नए बिजनेस से आपको मिल जाए, बट आपको कलैबोरेशन जरूर, फ्री गिफ्ट जरूर मिलेंगे. तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, मैं उसमें वो ट्रिक बताऊंगी, समझना वीडियो को. और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो या ये आपका काम है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलैब की. कलैब क्या होता है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं समझाऊंगी, ऐसे कि दो तरह का होता है, 8 तरह का होता है, उसके आगे 3 तरह का होता है. वेरी वेरी बेसिक, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए ब्रांड से, दैट्स इट, फ्री गिफ्ट्स, यही आपका मकसद है, यही मेरा मकसद आपको बताना. तो स्टार्ट करते हैं. कलैब 2 पर्सन होते हैं, एक आप हो एक कंपनी है, दोनों मिलकर एक दूसरे को ग्रो करते हैं, दैट्स इट, दिस इज द कॉल्ड कलैब. कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, आप उस पर वीडियोस बनाते हो, आपका जो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आप वीडियो डालते हो, वो ग्रो करता है उस कंटेंट से, उस प्रोडक्ट से, और जो वो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है उसके प्रोडक्ट को देख के, मतलब आप वीडियो बनाते हो उस प्रोडक्ट को देख के लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसका बिजनेस ग्रो होता है, उसकी रीच बढ़ती है, ठीक है, उसकी अकाउंट पे आके आईडी पे आके एंगेजमेंट बढ़ती है. तो ये क्लैब होता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो मैं हूं, हम दोनों, आप प्रोडक्ट दो मुझे, मैं लूं प्रोडक्ट पे वीडियोस बनाऊं, तो वो कलैबोरेशन है. अब हम नॉर्मली बात करते होते हैं पेड और बार्टर, 2 तरह का कलैब होता है, पेड होता है, बार्टर होता है. बार्टर में जैसे मैं ज्यादातर मैंने बार्टर किए अभी तक के जितने भी मैंने कलैब किए, मैंने शायद मैंने कुल मिला के 6 या 7 मैंने पेड करे हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर. मैं आपको बताती हूँ, सच बताऊंगी, जो मिथ पकड़ी हुई है ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे जाके, तो बाकी मैं सारे बार्टर ही मैंने करे हैं. बार्टर में क्या होता है, आपको कंपनी प्रोडक्ट देती है, आपको उस पर रिव्यू देना है. फॉर एग्जाम्पल रिव्यू हो सकता है अमेजोन रिव्यू, फ्लिपकार्ट रिव्यू, कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई डेडिकेटेड वीडियो, कोई इंटीग्रेटेड वीडियो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है. वो बार्टर क्लैब होता है, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको काम देना अपना, दैट्स इट. बार्टर क्लैब में आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इससे कह देंगे कि इतनी ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है, अपने पैसों से खरीदना है, और आप ये वीडियो दे देना, उसके बाद हम आपको पेमेंट लौटा देंगे, इस तरह का क्लैब भी होता है, ठीक है. पेड में बस आपको प्रोडक्ट आएंगे, कंपनी आपको प्रोडक्ट भेजेगी, आप उस पर वीडियो बनाओगे, जो भी उनको चाहिए, उनका जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो उनको चाहिए, वो आप दोगे उसको, ठीक है, वो दोगे, प्लस आपको पेमेंट भी देंगे वो, ठीक है. तो आपको मतलब इसमें प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं, पेमेंट भी मिलती है, पेड क्लैब, ठीक है, खत्म. ये आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, पेड बार्टर, पेड बार्टर, ये कहानी हम गाएंगे नहीं ज्यादा लंबी, बस खत्म, पेड होता है बार्टर होता है. मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये तो ठीक है होता है पेड बार्टर, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे मिलते हैं, ठीक है. अब एक बात है, अब आए दिन हर एक यूट्यूबर नया आ रहा है यूट्यूब पे, आए दिन हर एक दिन नया कंटेंट क्रिएटर आ रहा है, इंस्टाग्राम पे नई आईडी बनती है, ठीक है, नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, नए से नए आ रहे हैं, कैसे पता चलता है किसी पुरानी वेबसाइट को या फिर किसी पुरानी ब्रांड को या नई ब्रांड को कि वो आ चुका है, हम उसे कलैब कर लें. आपको कैसे सपने आते हैं, कैसे पता चलता है, अब मैं आई, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करा, मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसे पता चलता है इनको कि भाई राजवीर ने भी चैनल बनाया यूट्यूब पे, या फिर उसके 1 लाख होने वाले हैं, तो उसको प्रोडक्ट देते हैं, उससे वीडियो लेते हैं, उसको पे करते हैं, कैसे पता चलता है ना, बड़ा कन्फ्यूजन है. तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, ये जो मिथ बनी हुई है ना पुरानी, बात सुनना ढंग से मेरी, जो मिथ बनी हुई है पुरानी कि आपके 2000 सब्सक्राइबर हैं, आपके 5000 सब्सक्राइबर हैं तो आप पेड कर सकते हो, ये अब लागू नहीं होती, क्योंकि अब शॉर्ट्स और रील दो चीजें ऐसी आ चुकी हैं जिसने, मैं ये भी कहूंगी फायदा भी बहुत दे दिया, जिसने डाउन भी बहुत कर दिया, बिल्कुल. क्योंकि पहले के टाइम पे जब शॉर्ट्स रील्स नहीं होती थी ना, वहां पे आपके अगर 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो आपको 8,000 व्यू मिलते थे, आप चाहे पीछे जाके देख लो,
उस टाइम पे आपको 8,000-7,000 व्यू मिलेंगे अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि उनके पास ले देंगे यूट्यूब पे है क्या, फिर लेंथी वीडियो थी वही देखेंगे वो, और इंस्टाग्राम पे क्या थी वो एक मिनट की वीडियो या फिर IGTV था यही देखेंगे वो, और क्या करेंगे। लेकिन अभी ऐसा सीन रहा ही नहीं है। अभी मेरे सब्सक्राइबर आप देख लो अभी के टाइम पे हो रखे 80K सब्सक्राइबर हो रखे हैं। अब 80K में से आप, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी ये वीडियो पीछे वाली वीडियो पे व्यूज देख लो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो जो मिथ है ना कि आपके 5,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके चाहे 50,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके चाहे 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, आपको पेड में लेना चाहिए, आपको पेड कलैब करना चाहिए, ये जो मिथ इसमें बढ़ी हुई है वो बाहर निकाल दो, वो अब लागू नहीं होती। ठीक है, हर वीडियो जो भी खोलोगे कलेबरेशन की, जिसने पुराने टाइम पे बना रखी है 2021 में 22 में है ना, किसने 19 में 18 में, वो उस टाइम के लिए सही थी। मैं ये नहीं कह रही वो गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, बट उस टाइम के लिए सी 2023-2022 का एंड जो है, जब रील्स आ चुके हैं, शॉर्ट्स आ चुके हैं, तब ये लागू नहीं होती। क्योंकि जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो आपके सब्सक्राइबर नहीं देखती, वो आपके फॉलोवर्स नहीं देखती, वो देखती है एंगेजमेंट, आपकी वीडियोस पे व्यूज कितने हैं, कमेंट कितने हैं, कितना अप्रोच कर रही है आपको आपकी ऑडियंस, एंड आपकी इंस्टाग्राम पे क्या रेट चल रही है आपकी, तो ये वो चेक करती है। डजंट मैटर आपके पास चाहे 4,00,000 हैं, लेकिन आपके व्यूज सिर्फ वहां पे आ रहे हैं 2,000-3,000, कोई अप्रोच नहीं करेगा आपको, एक सिंगल ब्रांड भी अप्रोच नहीं करेगी। सो ये एक मिथ है पहले से पहले कि हमारे इतने हैं, हमारे उतने हैं, तो वो एक बार निकालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्री गिफ्ट्स लेने के लिए, ब्रांड से कलेबरेशन स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको अपनी आईडी को बहुत ही प्रेजेंटेबल करना पड़ेगा। ये मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, सुनते जाना। सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी को प्रेजेंटेबल, आप उस पर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो शानदार होने चाहिए, बैकग्राउंड फोकस रखो अपना, कंटेंट आप बोल कैसे रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे आप दिखा रहे हो, जो भी आपका काम है, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो, आप फैशन स्टाइलिंग बताते हो, कुछ भी आपका काम है उस पर पहले आप फोकस करो, इस तरीके से दिखाओ कि कल को ब्रांड जब आपको अप्रोच करे तो वो अपना प्रोडक्ट दे, वो आइडिया लगा ले कि भी अगर ये ऐसे वीडियो बना रही है तो जब मैं इसको अपना प्रोडक्ट दूंगा तो ये कैसी वीडियो बनाएगी। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी रखो अपनी आईडी के अंदर, चाहे यूट्यूब है चाहे अपना इंस्टाग्राम है, थोड़ा सा अच्छे से उसको मेंटेन करो। देन सेकंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आपके कुछ हद तक फॉलोवर या सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपने स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल मैंने आज यूट्यूब स्टार्ट करा है, मेरे पास 10 तो चलो बहुत कम हो गए, मेरे पास चलो 5,000 या 4,000 सब्सक्राइबर हैं। तो हाँ, कोई छोटी ब्रांड अपने आप, जैसे अभी जो नॉट छोटी, लाइक ऐसा मतलब नहीं छोटी, मतलब जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, जिनका ग्रो अभी नहीं है, वो आपको अप्रोच कर ले ऑटोमेटिकली, मतलब अचानक से सडनली कोई अप्रोच कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन 5,000 तक आप सोचोगे कि हमें बहुत कुछ मिल जाए है ना, वो नहीं होगा। थोड़ा सा ग्रो करो पहले, ठीक है, अपनी आईडी के अंदर कंटेंट डालो, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ना आपके पास, उनको लेके पहले आप वीडियोस डालो, ठीक है, फिर आपके सब्सक्राइबर आएंगे, आप पे फॉलोवर आएंगे, आपका जो कंटेंट का जो वीडियो है, जो आपका एक थीम है, वो समझ आएगी कंपनियों को, वो ब्रांड्स को समझ आएगी, ठीक है, फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई वो अप्रोच करेगी, कैसे पता चलेगा कि क्लैब आया नहीं आया? जो कलेबरेशन का जो होता है ना, आपको दो तरीके से आ सकता है या तीन तरीके से भी आ सकता है, पर पहली बात तो दो ही तरीके से आएगा। फर्स्ट तो आपको मेल आता है, बार्टर है, पेड आपको मेल आईडी आपकी हर जगह भर के रखनी है, हर आईडी के अंदर, तो वहां पे आपको मेल आएगा कि जो भी आपको ब्रांड अप्रोच करना चाहती है, आपसे कलेब करना चाहती है, वो आपको मेल करेगी। सेकेंड, आपको इंस्टाग्राम आईडी पर DM आ सकता है कि ये करके है, ये हमारा डिलीवरेबल्स है, आप ये दे पाओगे, ये प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे, ठीक है, इस तरीके से आता है, दो तरीके से आता है। तीसरा तरीका, कोई व्हाट्सअप नंबर तो तब होगा ना जब आप कलैब, जैसा मैं हूँ, मैंने बहुत कलैब कर लिए, मेरी प्लम के पास, रोटंकी के पास, डर्माको के पास, पिलग्रिम के पास, ममार्थ के पास, सबके पास नंबर है मेरा, मुझे व्हाट्सअप पे आता है सीधा जो भी आता है कलैब, अब मेल कम आते हैं, मुझे व्हाट्सअप पे आता है, ग्रुप्स बने हुए उनके अंदर मैं अब ऐड हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आप तो नए हो, आपका क्या नंबर क्या पता उनको ना, तो आपको तो मेल आएगा, आपको मेल आएगा या फिर DM आएगा, ठीक है। अब सुनना बात मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, यहां पर वीडियो सुन लेना ढंग से बात मैं जो कह रही हूं, आई एम 101% श्योर आपको मेरी इस ट्रिक से क्लैब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, मतलब मैं कह रही हूं आप करना जरूरी है। आप क्या करो, मैंने जो किया मेरी लाइफ में, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जो रियल हूं, यहां पर मेरा फेस जो दिख रहा है आपको, बिना फिल्टर के, मैं बिना फिल्टर के बैठी, मेरी जुबान बिना फिल्टर के, बिल्कुल ऐसे ही हूं मैं, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले एक चीज बनानी है, चीज लाइक पोर्टफोलियो नहीं कहते, कि आप क्या हो, आप हो क्या, आपका नाम क्या है, आपने किया क्या है, आपका जो बेस है, आपकी जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट, जो भी आप सोशल मीडिया पे हो उस पे क्या करते हो, क्या आप एंटरटेनमेंट करते हो, आप व्लॉग शूट करते हो, आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो, आप लाइफस्टाइल से, आप स्टाइलिंग बताते हो, क्या हो आप, वो अपना सारा बताओ।
नेम बताओ, वो बताओ, सारी वेबसाइट्स का लिंक दो. फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब का लिंक डालोगे, इंस्टाग्राम का लिंक डालोगे, स्नैपचैट का लिंक डालोगे, है ना, अदर जो भी साइट्स हैं उनका लिंक डालोगे आप. अपना एड्रेस दो कंप्लीट विद पिन कोड, कंप्लीट एड्रेस और अपना नंबर, मोबाइल नंबर उसमें डालो, अपनी मेल आईडी उसमें डालो, ठीक है. इतना एक पूरा तैयार करो, सिर्फ इतना. उसमें कुछ नहीं मेंशन करना आपने पेड करा, आपने बार्टर करा, पेड में मैं इतना चार्ज दूंगा, नहीं. स्टार्टिंग में, और एक चीज और सुन लो, मैं यही कहूंगी, मेरे अभी 100 के होने वाले हैं. मैं आपको सच बता देती हूँ, ये जो अभी मैंने शो डाला ना मामा अर्थ वाला, मामा अर्थ से मुझे अभी फर्स्ट पीआर मिला. उनका मुझे कॉल आया, कहते कि आपका यूट्यूब अच्छा है तो हम आपसे कलेब करना चाहते हैं, मतलब ऐसे, तो आपको प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो आपके चार्जेस क्या है. मैंने बता दिए चार्जेस, तो उन्होंने बोला कि नहीं, स्टार्टिंग के, सच बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको. मैं ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं बताता अपनी. उन्होंने मुझे कॉल करके फिर से कॉल करा, उन्होंने मुझे बोला कि 3 मंथ तक हम आपसे बार्टर में रहेंगे, 3 मंथ के बाद आपका चैनल रिव्यू में डाल देंगे, फिर हम आपके साथ पेड करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. एक बात है, मामा अर्थ क्या अच्छे नहीं है कंपनी, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, ठीक है. और एक लड़की ने मुझे बोला था ब्रांड नेम मामा अर्थ, चलो जो भी है, लेकिन एक मुंह से ब्रांड निकल जाता है, क्योंकि एक नाम तो है ना उसका, लोगो तो है मामा अर्थ, तो उसके प्रोडक्ट में क्या कमी है. उसमें मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन केयर आते हैं, हेयर केयर आते हैं. तो मैं अपने पल्ले से जो पैसा लगाना है अपने बाल धोने के लिए, अपने मुंह चमकाने के लिए ना, लिटरली ये चीजें करने के लिए, तो कोई जरूरी है मैं पल्ले से पैसा लगाऊं. तो मुझे ब्रांड भेज रही है तो 2 वीडियो बना के देनी है, तो मेरा क्या जाता है. अगर मैं इंटीग्रेटेड वीडियो बना दूंगी किसी वीडियो के अंदर, तो मेरा क्या जाता है 2 मिनट के लिए, कुछ कम होता है. आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वही इंप्रूव होगा ना. तो वो अपना अंदर ईगो एटीट्यूड लेके नहीं चलना, मेरे 50 के, मेरे 100 के हैं तो हमें तो पेड क्लैब हो, नहीं मिलेगा आपको पेड क्लैब. मैं आपको लिख के दे देती हूँ, पेड क्लैब नहीं मिलेगा. किस्मत चमकगी आपके अगर आपको मिल रहा है, मेरे को तो मिला नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है. तो मेरे साथ मामा अर्थ के साथ ऐसा हुआ है. तो देख लो अभी मेरे 80 के हैं, 80 के होते हुए मैं मामा अर्थ के साथ बार्टर में हूँ, ये याद रखना, मैं बार्टर में हूँ, ठीक है. तो मैं आपको बता रही थी, वो आपको रेडी करना है. आपको नाम, साइट्स का नाम, किस चीज पे आपका कंटेंट है, किस बेस पे आपने आईडी बनाई है, एड्रेस सारा आपका, पिन कोड आपका, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सारा आपको फिल करके एक प्रॉपर तैयार कर लेना है. हालांकि मेरा फिल किया मैं ऐड कर सकती हूँ इधर, बट मैं करूंगी क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, है ना, और उसमें वो आ गया आपका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब चीजें फिर मुझे डिलीट करनी पड़ेगी वहां से, छुपाऊंगी तो मतलब नहीं है कोई दिखाने का इधर से, या तो प्रॉपर दिखाया जाए ना. तो बस दिखाना क्या, बस ये चीजें आप तैयार करो. अब सुनना बात, ये चीजें तैयार करो, एक नोट्स होता ना मोबाइल के अंदर, उसमें डाल के रख लो, वहां से कॉपी करा, पेस्ट कहाँ पे करना है ये चीज ध्यान से सुनना. इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मेरी पे जाओ, आप किसी पे मत जाओ, चाहे मेरी पे जाओ, चलो मैं ये नहीं कहती मेरी पे जाओ, लेकिन किसी और पे भी चले जाओ, वैसे बता रही हूँ. जिसने हाईलाइट में डाल रखे ना कलेबरेशन, जिसने हाईलाइट्स के अंदर क्लैब पार्ट फर्स्ट, क्लैब पार्ट टू, क्लैब पार्ट थ्री, क्लैब पार्ट, जो लॉट्स ऑफ क्लैब पार्ट कर रखा है जिन्होंने, उनकी आइडिया खोलो, ठीक है. बस आंखें बंद कर लो, सोचना कुछ नहीं है. कलेबरेशन उनका हाईलाइट पॉइंट खोला एक, उसका फर्स्ट क्लैब, ये मत देखो कि वो प्रोडक्ट काम का है या नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई पाउडर है पानी में डाल के पीने वाला, आपको नहीं पसंद आ रहा कि नहीं मैं नहीं ये वाला करती, करो, आपको पाउडर मिलेगा. फॉर एग्जांपल आपको मिल जाता है, तो कल को कोई कंपनी आपसे जुड़ रही है और आके ब्रांड आपसे कलेब करना चाहते, वो देखे कि हाँ इसने पहले कलेब किया हुआ है. तो ऐसा नहीं कि नहीं मेरे काम की चीज़ नहीं, मैंने एक बार तो करना पड़ता है स्टार्टिंग, मैंने करे हैं, मैंने बहुत करे हैं. ये जो होते नहीं सप्लीमेंट्स होते हैं जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, मैंने बहुत करी है, मैंने फेंके हैं बाद में, मैं सच बताती हूँ मैंने फेंके हैं. मैं खाती नहीं, मैं सप्लीमेंट्स लेती नहीं, मैं हाँ योगा लाइन में हूँ, फिटनेस लाइन, मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेती, मैंने फेंके हैं वो सारे. तो बट मैंने करे हैं, क्योंकि आगे जो आएंगे क्लैब वो देखेंगे कि पहले किससे जुड़ी हुई है, किसके साथ इसने काम करा है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कॉपी करना है आपको, ठीक है, जो आप लिखा है. हाईलाइट में जाओ, हाईलाइट में जाके क्लैब पे क्लिक करो, वहां पे उसका जो क्लैब स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट हो जाते हैं ना ढेर सारे क्लैब आ जाते हैं फिर आगे हाईलाइट के अंदर, वो सेव करके रखती है जो भी लड़की है. जैसे मैंने कराऊंगा, मेरी आईडी में देख लेना, यहाँ दे देती हूँ मेरी आईडी, ठीक है. जैसे ये मेरी आईडी है, इसके अंदर हाईलाइट देखो, ये क्लैब वाला हाईलाइट है, इस हाईलाइट पे आप क्लिक करो, आपको जो भी हाईलाइट में पहले दिख गया उस पर क्लिक करो, ब्रांड पे जो मैंने ब्रांड दिखाई हुई है, ठीक है, उस पर ब्रांड पे क्लिक करके उसके मैसेज के अंदर चले जाओ, और जो मैंने आपको बोला है ना कॉपी पेस्ट कर दो वहां जाके. शर्माना नहीं है कि ले हम जाएंगे कंपनी के पास क्लैब मांगने, जाना पड़ेगा. ऐसे स्टार्टिंग होती है, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, ठीक है. जैसे आपके पास सब्सक्राइबर आ गए, आपके पास फॉलोअर्स आ गए, आप एक अपना लेवल रख सकते हो कि भाई हाँ अब हम नहीं जाएंगे, अब आप हमारे पास आओगे या फिर हम इतना पे लेंगे. बट स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है. तो आप वहां जाओगे उस ब्रांड पे, ठीक है, क्लिक करके उसके मैसेज डीएम में आप वो कॉपी पेस्ट कर दोगे. नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो मैंने स्टोरी लगा रखी है हाईलाइट के अंदर क्लैब की,
जितने भी आप देख ले, कोई मस्कारा का है, कोई लिप लाइनर का है, कोई सप्लीमेंट्स का है, कोई योगा कपड़े का है, कोई भी, कोई स्कार्फ का है, कोई स्क्रंचेस का है, कोई पिंस का है, कोई ज्वेलरी का है, कोई हेयर केयर का है, कोई मामाअर्थ का है, प्लम का है, गुडनेस डोटन की का है, किसी भी चीज का पिया है, आपको लगता है ये तो हमारी समझ से बाहर है, हमारे लैक्मे का है, लो छोड़ो लैक्मे का है, लॉरेल का है, तो हमारे ऐसा लगता है कि यार हम इसके बस के नहीं है यार, हम कहाँ जाएं लॉरेल में। आप डीएम करो, वो जो कॉपी करे ना वो उधर पेस्ट करो, ठीक है। एंड मैं आपको लिख के दे देती हूँ, जितने आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे ना, आपको कम से कम कॉपी पेस्ट 300-400 ब्रांड्स को करना है। छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, सब आने चाहिए बीच में। देखना मत प्रोडक्ट, जब आप क्लिक कर रहे हो ना हाईलाइट्स के अंदर किसी पर, प्रोडक्ट देखो ही मत कौन सा है, आप बस करते जाओ, डीएम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, मैं ये नहीं कहती 300 में से 300 आएंगे, 300 में से 10-5 आपको कलैब जरूर मिलेंगे। ये करना मुश्किल है, लगेगा है कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, मैंने किया है, मैं सच बताती हूँ, मेरे टाइम पे मैंने किया है ये कॉपी पेस्ट, मैंने किया है। तो आप भी ये करना, ये मेरी रियलिटी है, मैंने किया था, मुझे अप्रोच किया था कहीं, स्क्रंचेस वालों ने अप्रोच किया था, पिंस वालों ने अप्रोच किया था मुझे, एंड मुझे इस तरीके से काफी कलेबरेशन हुआ था स्टार्ट मेरा। और फिर जैसे जैसे मैंने भी ये बंद कर दिया, मैंने फिर ब्रांड्स में नाम आ गया मेरा, व्हाट्सअप नंबर उनके पास चला गया, फिर धीरे धीरे प्लम, गुडनेस, ये वाला डोटन की, पिलग्रीम, और भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स और अलग अलग फिटनेस वाले मेरे साथ जुड़ गए। तो इस तरीके से आप ग्रो करके, मामाअर्थ को मैंने थोड़ी मैसेज करा कि मेरे साथ क्लैब करोगे, उनका है, डमाको का अभी कलेबरेशन आया हुआ मेरे पास, तो उन्होंने, मैंने थोड़ी मैसेज किया कि आप मेरे साथ क्लैब करो, उनका आया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी आईडी को मेंटेन कर लिया इस तरीके से, छोटी छोटी बैंड्स के साथ काम करके आईडी को ऐसे बना लिया कि हाँ अब मैं तैयार हूँ कलेबरेशन के लिए। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, आई थिंक किसी ने नहीं बताई, तो ये आप अप्लाई करो, आपको जरूर मिलेगा। बाय द वे मैंने आपको बता दिया, ये जो होती है चीज, अगर आप इतना नहीं लिख सकते, अब मान लो आप बिल्कुल ही बिगनर हो, लोग खत्म गाने आपका कोई है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सा कंटेंट आपका, सिर्फ इतना मैसेज कर दो हाईलाइट खोल के, ही कैन बी कलैब, कैन बी कलैब, कैन बी कलैब, ठीक है, ही कैन बी कलैब, कैन बी कलैब, इतना ही कर दोगे, इतना में कोई ना कोई एक दो तो आपके पास आएंगे। जैसे एक दो आएंगे, आप उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करोगे, अदर ब्रांड्स देखेंगे कि भाई ये बंदी ने ऐसे ऐसे करके, इसको हम भी भेजते हैं फिर ऐसे, तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे। तो मेरे लिए ये कलेबरेशन है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको हेल्प होगी। आगे मैं और बहुत सी वीडियोज बना दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि इस तरीके से स्टार्ट करो। मैंने ऐसे स्टार्ट करा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 100% रियल ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट मेरा एक ये एक्सपीरियंस जो भी है मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये थी राजवीर, जब राजवीर ने स्टार्ट करा था अपना कलेबरेशन, जो आपके साथ शेयर किया है, तो आप भी इस तरीके से कलेब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करो अभी, जैसे वीडियो खत्म होती है, चाहे मेरी आईडी पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे दे दूंगी, राजीव पुन्नी 4 नाम से हाईलाइट खोलना, अभी भी कलेबरेशन के हाईलाइट पड़े हैं। सोच रही थी मैं डिलीट करने का, लेकिन मेरे अंदर यह था पहले मैं ये वीडियो दे दूँ फिर डिलीट करूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपना हाईलाइट बहुत सिंपल सोपर रखना है। तो उस पे जाके जो जो मुझे क्लैब मिले उस पे आप क्लिक करके, या फिर कोई भी और अदर आप कोई किसी की आईडी खोल के देख लो, चाहे उस पे इस तरीके से आप क्लिक करके अपना जो भी डेटा मैंने आपको बोला है फिल करके वो कॉपी पेस्ट कर दो, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अप्रोच करेगा, कहीं ना कहीं से आपको जरूर क्लैब मिलेगा, आपको फ्री गिफ्ट मिलेंगे। आप ग्रो करोगे, कॉन्टेंट बनाओगे, देन आपकी रीच होगी और आपके पास फॉलोअर्स आएंगे, डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स आएंगे, आपके पास वीडियोज बनाने के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। होता है लड़कियों के हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, तो है ना, तो आपके पास आएंगे। तो ये एक ट्रिक थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कंप्लीट। मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर यही बताना था कि ये किसी ने नहीं बताया जो मैं आपके साथ शेयर करूं। ऐसे सपने नहीं आते किसी ब्रांड को कि आप YouTube पे आ चुके हो, किसी को सपने नहीं आते आप Instagram पे आ चुके हो। सो ये करके देखना, आपको जरूर क्लैब मिलेगा। तो ये कलेबरेशन होता है पेड बार्टर, पेड़ की तरफ मत भागना कि पेड़ पेड़ पेड़, भाई बार्टर से स्टार्ट करो। हम तो आज तक बार्टर करते आ रहे हैं, हमें आप 180 के होने के बावजूद भी हम बार्टर करते हैं। तो भाई बार्टर पे कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आपको काम तो आएंगे ना, शैम्पू, कोई कंडीशनर, कोई लोशन, कोई आईलाइनर, कुछ मिलता है आपके काम तो आएगा ना, कि वेस्ट तो नहीं जा रहा। तो बार्टर स्टार्ट करो, ठीक है, तो पेड़ की तरफ एक बार मत रखो। तो ये कलेबरेशन की आज वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो आपके काम आती है, आपको समझ आता है, ये चीजें आप करते हो, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगी। सो या दैट इज द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, लव यू, बाय बाय।